हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक 4 वोल्ट बैटरी चार्जर बनाएंगे। इस बैटरी चार्जर की खास बात यह है कि इसमें ऑटो कट ऑफ फीचर है जो बैटरी के फुली चार्ज हो जाने पर उसे चार्ज करना बंद कर देता है। इसके अलावा इस चार्जर की खास बात यह है कि इसे बहुत ही कॉमन कंपोनेंट से बनाया गया है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में एक नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम और डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उनमें सबसे पहली चीज है BD139 ट्रांजिस्टर, BC557 ट्रांजिस्टर, 2BC547 ट्रांजिस्टर्स, 10K वेरिएबल रेजिस्टर, 4 10K रेजिस्टर्स, 200 ओम रेजिस्टर्स, 1N4007 डायोड, 100 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट कैपेसिटर, रेड LED, ब्लू LED, DC फीमेल जैक, वेरो बोर्ड, जंपो वायर्स और एक 6 वोल्ट सप्लाई। सबसे पहले DC फीमेल जैक को वेरो बोर्ड पे कनेक्ट करने के लिए हम ड्रिल से वेरो बोर्ड के होल्स को बड़ा कर लेंगे। इसके बाद हम DC फीमेल जैक को वेरो बोर्ड पे कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे BD139 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 2 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद BC557 ट्रांजिस्टर को वेरो बोर्ड पे इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी पिन नंबर 1 BD139 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट हो जाए और इसकी पिन नंबर 3 BD139 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 1 को BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी पिन नंबर 3 को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 1 को पहली BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी पिन नंबर 3 को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे।
इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को पहली BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और 10K का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को पहली BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को BD139 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी नेगेटिव पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को BD139 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 3 के साथ और इसकी दूसरी पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 1N4007 डायोड को कनेक्ट करेंगे और इसके एनोड को BD139 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पर 10K के रेजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी पिन नंबर 3 दूसरी BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो जाए और इसकी पिन नंबर 2 नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K के रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को डायोड के कैथोड के साथ और इसकी दूसरी पिन को 10K वेरिएबल रेजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे रेड LED को कनेक्ट करेंगे और इसकी नेगेटिव पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 100 ओम का रेजिस्टर लगाएंगे और इसकी एक पिन को रेड LED की पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे ब्लू LED को कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को ब्लू LED की नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी दूसरी पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे।
इसके बाद हम सर्किट के साथ बैटरी लगाने के लिए वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम पावर सप्लाई को मेन सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम 6 वोल्ट सप्लाई को सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपनी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और इसे 4.8 वोल्ट पे सेट कर देंगे। इसके बाद हम पावर सप्लाई को बैटरी कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम वेरिएबल रेजिस्टर को उस वक्त तक घुमाएंगे जब तक के ब्लू लाइट ऑफ ना हो जाए। इसके साथ ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, इसके कट ऑफ वोल्टेज भी सेट हो गए। तो चलिए अभी सर्किट के साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं और इसे टेस्ट करके देखते हैं।